तो पहले मैं एक नारा लगवाऊंगा और उसके बाद आप बिल्कुल शांत होके मेरी बात सुनेंगे, मंच पर कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल शांत होके मेरी बात सुनेंगे क्योंकि यह बहुत गंभीर सम्मेलन है। बोलिए भारत माता की, झुग्गी झोंपड़ी वाले जिंदाबाद, झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब आदमी। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन इसलिए बुलाया ताकि हम लोग आपको यह बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या करने वाली है जाकर, और कांग्रेस ने अब तक क्या किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है बहन जी, बात नहीं, ए बहन जी, बहन जी बात नहीं, बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। बरसों बरस तक आप लोग कांग्रेस को वोट देते आए थे, क्यों? क्योंकि पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा लगाया गरीबी हटाओ, और उसके बाद कांग्रेस ने एक नारा लगाया, कांग्रेस ने एक नारा लगाया कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। ये आप लोगों को तय करना है कि क्या कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है या गरीब की जेब के अंदर चला गया है। जी बताइए, गरीब के साथ है या गरीब की जेब में? आप लोगों को फैसला करना है। मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस ने कैसे गरीबों को ठगा है जाके। सबसे पहले महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर कर दी जाके, महंगाई आसमान में कर दी। फिर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक योजना निकाली, राजीव रतन आवास योजना, और ठीक 2008 के चुनाव से पहले उसने कहा 100-100 रुपए के फॉर्म भरो और फ्लैट ले लो जाके। जिस जिसने फॉर्म भरे थे आप में से, वो हाथ खड़ा कर ले जरा, बाप रे बाप। अब नीचे कर लीजिए, अब जिस जिसको फ्लैट मिले हैं वो हाथ खड़ा कर लो जी। एक भी आदमी को फ्लैट नहीं मिला तो जोर से ताली बजा दो जाके। ये ताली मैंने इसलिए बजवाई है कि जब फ्लैट के फॉर्म भरे थे आपने तो ये वाली किताब आपको मिली थी, ये वाली किताब मिली थी। ये ऐसी किताब है जैसे प्राइवेट बिल्डर देते हैं जाके, प्राइवेट बिल्डर देते हैं कि भाई अंसल का, स्कीपर का और जो कंपनियां हैं फ्लैट निकलेगा। तो गरीब ने सपना देखा, मैंने 100 रुपए का फॉर्म भरा है, मुझे फ्लैट मिल गया है, बेडरूम में मेरे बच्चे सो रहे हैं, रसोई में मेरी पत्नी जो है खाना बना रही है और मैं बालकनी के अंदर टहल रहा हूं। ऐसा गरीब लेके सपना दिया। ऐसी शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस की सरकार जो गरीब आदमी को धोखा देती है, बोलो उसको उखाड़ फेंकोगे या नहीं? बोलो उखाड़ फेंकोगे? इस सरकार ने ये पहला धोखा दिया। दूसरा, इस सरकार ने धोखा दिया कि कहा हम आपको 24 घंटे सस्ती बिजली देंगे। जब साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे तब आपकी झुग्गियों में पॉइंट से बिजली मिलती थी, 15 रुपए पॉइंट में बिजली मिलती थी, और आज आपका बिजली का बिल कितने का आ रहा है? 100 रुपए का आ रहा है जी। कितने का आ रहा है? कितने का आता है बिजली का बिल? 1000 रुपए का। अच्छा गलती हो गई मेरे से 100 रुपए का, मैं तो चेक कर रहा था आप लोगों को जी। आपका बिल आता है 600 रुपए से लेके 2000 तक का। अगर मेरी बात ठीक है तो हाथ खड़े कर दीजिए जाके। ये महंगी बिजली कौन लेकर आया जाके? अरे वो लूज माइक लाओ। 3000 के झुग्गी झोंपड़ी के अंदर बिल आ रहे हैं, 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिलती है जाके। और ये सरकार ने कहा था सस्ती बिजली देंगे, चोरी रोक देंगे, सस्ती बिजली देंगे। पिछले 2 साल के अंदर 72% दाम बढ़े हैं, और गुजरात में जहां मेरा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है वहां 6% दाम बढ़े हैं। और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं आपको, इस सरकार ने बिजली कंपनियों के 300% दाम मंजूर कर लिए हैं। तो ये जो सरकार कहती है कि हम आपको बिजली 3.90 रुपए में दे रहे हैं, वो बिजली 12 रुपए के अंदर जिस दिन आप वोट दे दोगे नवंबर के चुनाव में, उसके बाद बिजली के रेट 12 रुपए पर यूनिट आ जाएंगे। माइक लाओ, लूज वो रखे, लूज माइक मेरे पास लेके आओ।
बोलिए इस बिजली के ऊपर इस सरकार को कांग्रेस को वोट दोगे या नहीं दोगे? हाथ खड़ा करके बोलो कांग्रेस, कांग्रेस। इसलिए मुर्दाबाद कि उसने गरीब को लूट लिया है। आप कुछ कहना चाहते थे बिजली के बिल? बिजली के बिल कभी ऐसे है कि 3,000 आई, कभी 4,000 आई तनख्वाह, तो 3,000 रुपया है। क्या बच्चे के दूध पिलाए, क्या बच्चे के सब्जी खिलाए, क्या बच्चे के रोटी खिलाए? ताली बजा दीजिए, अच्छा बोली है। तीसरा धोखा बता रहा हूं, तीसरा धोखा है। पिछले 15 साल से, पिछले 15 साल से इन्होंने नए राशन कार्ड नहीं बनाए। बताओ बनाए या नहीं बनाए? और जो 16 लाख लोग हैं, 16 लाख लोगों के ऊपर जो लाल कार्ड पे स्टैंप लगनी थी, वो मोर इन्होंने लगाई या नहीं लगाई? ये सरकार ने तीसरा धोखा दिया। राशन के अंदर मिट्टी का तेल मिलता नहीं है और गैस का सिलेंडर भी नहीं मिलता। आपसे वायदा किया था कि 9 की जगह 12 सिलेंडर दूंगी। बताओ किया था या नहीं किया था? वो वायदा पूरा किया या नहीं किया? 12 सिलेंडर आप लोगों का वायदा पूरा नहीं किया। गरीब आदमी 4 किलो का सिलेंडर 120 रुपए में, 100 से लेके 120 रुपए में केजी में खरीदता है। बोलो खरीदता या नहीं खरीदता? अमीर आदमी को आप 9 सिलेंडर दे रहे हो 30 रुपए किलो में, गरीब आदमी सिलेंडर खरीद रहा है 100 रुपए किलो के अंदर। क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे बच्चों को पालेगा? ये कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार बताए। पर इसके लिए दोषी आप लोग हो। बरसों बरस हो गए आपको, मैं झुग्गी झोंपड़ी में जाता हूं तो पूछता हूं कि भाई क्या है? कह लेंगे गोयल साहब आदत पड़ गई है हमको कांग्रेस को वोट देने की, रात को आते हैं ऐसा कराते हैं और वोट ले जाते हैं जाके। मैंने कहा सारे ऐसे वोट नहीं देते हैं, इसलिए इस बार आपको ऐसे वोट नहीं देनी। 4-4 धोखा देने वाली सरकार है। और तो और एक धोखा बताता हूं आपका, गरीब का सारा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। बोलो पढ़ता है या नहीं पढ़ता? सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। उस सरकारी स्कूलों में बिना पढ़ाए बच्चों को पास कर देते हैं। आप तो खुश होती हो, मेरा बच्चा दूसरी में पढ़ गया, अब चौथी में आ गया, अब छठी में आ गया, अब आठवीं में आ गया, अब दसवीं में आ गया, स्कूल जाता नहीं है। एक औरत गई अपने टीचर के पास, कहने लगी इसको नाम भी नहीं लिखना आता और इसको आपने आठवीं में पास कर दिया है जाके। वो इसलिए पास कर दिया है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती है ऐसा दिखाओ जनता को कि हमारे सर्वे स्कूल बहुत बढ़िया है, सब बच्चे पास हो जाते हैं। बोलो आप पढ़ाना चाहते हो या पास करना चाहते हो? आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ये शीला दीक्षित के कांग्रेस के सरकारों में पढ़ाई नहीं होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी जानता हूं गरीब आदमी कहेगा मेरे बच्चे को कह रहा है पढ़ा नहीं, पर मुझे मालूम है पढ़ाई नहीं होती है। एक बच्चा तो आठवीं क्लास में गया ही नहीं और उसने सीधा उत्तर पुस्तिका ली और उस पर लिख दिया हिम्मत है तो फेल करके दिखा, हिम्मत है तो फेल करके दिखा। मास्टर ने उसको भी पास कर दिया। क्यों? सरकारी स्कूल में नियम है कि भाई पढ़ना आता हो नहीं आता हो, पढ़ाई हो या नहीं हो, इसको पास कर दो। बताओ ऐसा आप चाहते हो? तो हाथ खड़ा करके बोलो नहीं चाहते। तो बता दो इस कांग्रेस सरकार को हमें ऐसे झूठे स्कूल नहीं चाहिए जाके। छठा धोखा बताता हूं आपको जी, छठा धोखा बताता हूं दोस्तों। एक बार जोरदार ताली बजा दो, हमारे बीच में नितिन गडकरी जी आने वाले हैं जाके। एक झुग्गी झोंपड़ी का आदमी जब सवेरे उठता है, एक मां मेरी बेटी और बहन रहती है, उठती है जब, सबसे पहले पानी की जरूरत होती है जी। आप बताइए आज झुग्गी झोंपड़ी में पानी है या नहीं है? और गंदा है या साफ है? गंदा पानी देती है कांग्रेस की सरकार, पानी देती नहीं। लाइनें डालनी रखी आपने पानी की, सीवर लाइन है या नहीं है? सीवर की लाइनें नहीं है। ये जब आप वोट डालते हो तब ध्यान रखना ये सारी बातें जी। और उसके बाद इस कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात है कि जब हमारी मां बहन बेटियां बच्चे शौच के लिए जाते हैं तो शौचालय तक नहीं है। शेम शेम होनी चाहिए इस बात के ऊपर जाकर। खुले के अंदर उनको जाना पड़ता है, खुले के अंदर जाना पड़ता है।
ऐसी कांग्रेस की सरकार जिसने गरीब को और गरीब बना दिया है, ये छठा धोखा है उसने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई महंगाई आसमान के ऊपर है जाके, बताइए पेट्रोल महंगा या सस्ता? सारे जितना हॉल है सबको जोर से बोलना है, पेट्रोल महंगा या सस्ता? डीजल महंगा या सस्ता? रसोई गैस महंगी या सस्ती? टमाटर महंगे या सस्ते? दालें महंगी या सस्ती? चीनी महंगी या सस्ती? प्याज महंगी या सस्ते? आलू महंगे या सस्ते? तो जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। और आज आप लोगों को मैं ये कहकर जा रहा हूं, लोगों को कहकर जा रहा हूं, तीन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर इन्होंने जाके ऐलान कर दिया, अजय माकन गोस्वामी, जो रमाकांत गोस्वामी ने, कठपुतली कॉलोनी से यहां लोग आए हैं क्या? कठपुतली कॉलोनी के लोग ये जानते हैं कि उनके यहां एक पत्थर लगा दिया गया। पत्थर क्या लगाया जानते हैं? पत्थर लगाया डीडीए, जहां पर झुग्गी है यहीं पर हम आपको फ्लैट बनाकर देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, पत्थर आज भी लगा हुआ है किंतु एक भी फ्लैट नहीं बना कांग्रेस सरकार के लिए, शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं दोस्तों ऐसा, तीन जगह उन्होंने पत्थर लगाए और एक जगह भी उन्होंने दिया नहीं। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं, मैं कौन हूं जाके, मैं किस हिसाब से आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैं क्यों आप मेरे पे विश्वास करेंगे, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेंगे? आप कहेंगे चुनाव आएंगे, ये झूठे वायदे दे रहे हैं, ये झूठे वायदे दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, विजय गोयल वो आदमी है जिस लॉटरी के कारण लाखों लोग आत्महत्या कर रहे थे, मकान बेच रहे थे, दुकान बेच रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, कंगाल हो रहे थे, उस लॉटरी को बंद कराने वाला कोई और नहीं, आपका यह भाई विजय गोयल था। ये जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आपके सामने खड़ा है, ये 6 महीने इमरजेंसी के अंदर जेल में था, जब नसबंदियां हो रही थी, मकान तोड़े जा रहे थे, झुग्गी झोंपड़ी उजाड़ियां जा रही थी। मेरे पिताजी 19 महीने जेल के अंदर थे, मैं 6 महीने तिहाड़ जेल के अंदर था, वो अंबाला में थे, मैं तिहाड़ में था। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूं, किसी भी झुग्गी वाले का जहां पसीना बहेगा वह विजय गोयल अपना खून बहाएगा, ये मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं। हमने घोषणा की है कि हम बिजली के दाम कम करेंगे। ये सरकार भी चाहती तो बिजली के दाम कम कर सकती थी, बिजली के दाम आज जितने 12 रुपए होने वाले हैं कम हो सकते थे। जैसे आपने देखा है मोबाइल कंपनियों के दाम 16 रुपए थे 1996 में, किंतु अभी कितने पैसे रह गए मोबाइल कंपनी के दाम? 30 पैसे रह गए, 30 पैसे। एयरटेल, एयरसेल, टाटा, रिलायंस और कौन से, आइडिया, सैमसंग, इनके अंदर कंपटीशन हुआ बहन जी, और उस कंपटीशन के बाद सबने अपने दाम कम करने लगे। जिस दिन बीजेपी आएगी इन बिजली कंपनियों में कंपटीशन कराएगी, आपको रिलायंस से बिजली चाहिए रिलायंस से लो, आपको टाटा से चाहिए बिजली टाटा से लो, आपको बीएससीएस से ले तो बीएससीएस से लो, जिसकी बिजली सस्ती होगी, जिसकी बिजली अच्छी होगी वो लेगी। और बीजेपी जब सत्ता में आएगी 30% दाम बिजली के घटाकर दिखाएगी। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हम बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी, पहला काम जो हम ऐलान करेंगे वो होगा उसी दिन राशन कार्ड हर गरीब आदमी के लिए, चाहे वो कल दिल्ली के अंदर आया, खोल दिए जाएंगे और सबके राशन कार्ड बनेंगे जाके। क्या करना, जिनके राशन कार्ड गलत बने हुए हैं, जिन पे मकान गलत है, नाम गलत है, कुछ गलत है, सुभाष सचदेवा जी मुझे बता रहे थे उन सारे राशन कार्डों को हम ठीक करेंगे जी। और ये वो राशन कार्ड नहीं होंगे 15 लाख पे मोर नहीं लगी, एक एक कार्ड के ऊपर मोर लगकर दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हर झुग्गी झोपड़ी में टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जितनी झुग्गियां हैं वो कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार में आती हैं, एमसीडी में नहीं आती, बीजेपी में नहीं आती, वो कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार में आती हैं। और दोस्तों जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं तो आपने हर झुग्गी तक अपनी बात को पहुंचानी है, हर झुग्गी वासी वालों को बात बतानी है
कि आज से आप विजय गोयल का नाम विजय गोयल नहीं विजय झुग्गी वाला समझो और मेरे को प्यार लगाओ, मैं आपको प्यार दूंगा जाके जी, मैं आपको प्यार दूंगा जी, मैं लड़ने वाला आदमी हूं आपके लिए, संघर्ष करने के लिए। और हमारे यहां राज के अंदर, हमारे यहां राज के अंदर किसी को खुले के अंदर शौच नहीं जाना पड़ेगा। ये कहती है हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया, 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में, 30 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, 30 लाख झिग्गी झोंपड़ी के अंदर रहते हैं, गांवों देहातों के अंदर कोई उन्होंने सुविधा नहीं दे रखी, गरीब आदमी के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। वोट को खरीदने के लिए अन्नश्री योजना बना दी, 600 रुपए की अन्नश्री योजना बना दी। बताओ 600 रुपए में एक परिवार का गुजारा चल सकता है क्या? और कहती है फूड सिक्योरिटी बिल, वो जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो मुझे कहा है 600 रुपए आए नहीं है, अगर नहीं आए तो ताली बजा के बताओ नहीं आए हैं। फिर वो जा कर रहे हैं 600 रुपए का। अब कह दिया फूड सिक्योरिटी बिल, कहते हैं 90 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देंगे, ये गरीब हैं भूखे मर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, 10 साल से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के राज कर रहे हैं और 15 साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार चला रही है, तब इन गरीबों की याद नहीं आई, किंतु आज जब चुनाव पास आ गए हैं, 3 महीने के चुनाव रह गए हैं, तब इनको गरीबों की याद आ रही है। और इनके मंत्री कहते हैं 5 रुपए में गरीब का पेट भर सकता है। बोलो भर सकता है 5 रुपए में गरीब का पेट? गरीबों को अपमानित करते हैं, लज्जित करते हैं ये कह के कि 5 रुपए में पेट भरता है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप लोग सहमत हो मेरी बात से तो एक दिन शीला दीक्षित के घर 5 रुपए का खाना मांगने चलें क्या? बोलो चलें क्या? तो दोनों हाथ खड़ा करके बताना, बोलो चलें क्या? तो हम एक दिन सुभाष जी एक दिन सबको लेके चलेंगे 5 रुपए का खाना, और अगर वो नहीं खिलाएगी तो उसके घर के बाहर हम खाना खिलाएंगे, जितने रुपए का मर्जी आएगा जाके जी, 5 रुपए का खाना देगी। और वो एक उनका मंत्री है पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो कहता है जी 2 रुपए में खाना खा लो, 2 रुपए के अंदर जाके जी, 2 रुपए में पेट नहीं भरता है आप लोगों का। दोस्तों हम अच्छी शिक्षा देंगे आपको जी, अच्छी शिक्षा देंगे, सिलाई सिलाई के केंद्र खोलेंगे। और जब हम कहते हैं, मैं चांदनी चौक से 3 बार एमपी रहा हूं, 2 बार चांदनी चौक से, 1 बार सदर से एमपी रहा हूं, और मैंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। ये जो मॉडल टाउन से जो लोग आए हैं लालबाग की झुग्गियों से, जरा हाथ खड़ा कर लेना, जब जोर से नारा लगाओ भारत माता की। इनको मालूम है कि जब मैं इनके यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो इनके सुख दुख के अंदर हमेशा भाग लेता रहता था। हमारे एक नेता को पुलिस ने पकड़ लिया था, विजय गोयल उसको छुड़ाने के लिए तिहाड़ जेल तक पहुंच गया था, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी पहुंचेगा जाके। और मेरे घर के दरवाजे, आपको आधी रात को काम हो किसी अस्पताल में, सबके सामने ऐलान करके जा रहा हूं, आधी रात को किसी को भी कोई मेडिकल या कोई और दिक्कत आ जाए, विजय गोयल के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। मैं दोस्तों और अधिक नहीं बोलना चाहता, अभी हमारे राष्ट्र के नेता श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, सुभाष सचदेवा एमएलए हमारी अनीता आर्य जी और दूसरे नेता हमारी मेयर साहिबा यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे राष्ट्र के झुग्गी झोंपड़ी के प्रमुख मुंबई से आए हैं बैठे हैं, पवन शर्मा जी आए हुए हैं, बहुत से लोग 2-2 मिनट में आपके विचार रखेंगे, किंतु मैं आपको एक विश्वास करा के दिलाने के लिए जा रहा हूँ, विजय गोयल आपका विजय झुग्गी वाला आपका छोटा भाई है, आपके लिए मरेगा, आपके लिए लड़ेगा, किंतु आपने भी मेरा पूरा साथ देना है। बोलो लड़ने को तैयार हो? ऐसा नहीं चिल्ला के दोनों हाथ खड़े करके यहां से लेकर और वहां तक आवाज आनी चाहिए, बोलो लड़ने को तैयार हो? एक बार और जोर से चिल्लाना है, बोलो लड़ने को हमारे साथ तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए कहता हूं मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं, तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है, हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। अंत में इतना कहना चाहता हूं, जहां जहां आपकी झुग्गियां हैं
और जिन जिन को राजीव रतन आवास योजना में इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, उन सब लोगों का ध्यान हम रखेंगे। जहां पर झुग्गी है वहीं पर आपको फ्लैट बनाकर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा है दादा। और ये वो वायदा नहीं है, ये वो वायदा नहीं है जो कि कांग्रेस करती है, ये सच्चा वायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।